हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो आज का रेसिपी बहुत ही अलग है दोस्तों, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग देखोगे तो तुरंत बनाना चाहोगे। तो चलिए वीडियो को अभी हम देख लेते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए पहले हम देखिए, दो आलू को उबाल के मैश करके हम बाउल में रख लिए हैं। अभी देखिए, एक कटोरी मैगी को हम उबाल लिए हैं। तो उबाल इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं उबाले हैं, बस 50% तक उबाले हैं। तो अभी हम इसमें एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देते हैं। दो ठो हरी मिर्च को इस तरह बारीक काट के डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून जितना, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और जो मैगी को हम उबाले थे उसका मसाला जो रहता है ना दोस्तों, वही मसाला को हम डाल देते हैं। अभी स्वाद के हिसाब से नमक, तो देखिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को डाल देते हैं। अभी सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिलाएंगे, इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो देखिए हल्का हाथों से इस तरह मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं मसलेंगे। तो इसी तरह हम देखिए हमारा जो आलू और मैगी का मसाला रेडी हो गया है दोस्तों। तो अभी हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरह हम दोनों हाथों में ऑयल को लगा लेते हैं अच्छी तरह। और देखिए इस तरह हम थोड़ा सा हाथों में पोसन लेते हैं और बॉल्स जैसा इस तरह हम बना लेते हैं। देखिए कितना चिकना वाला हमारा जो बॉल्स बन के रेडी हो गया है। तो अभी इसको हम एक थाली में रख लेते हैं। तो मैं और एक ठो आप लोग को बना कर दिखा रही हूँ। ये बनाना बहुत ईजी है दोस्तों, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए ये बॉल्स भी हमारा बन गया। तो इसी तरह मैं सभी बॉल्स को बना लेती हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बॉल्स भी रेडी हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, दो चम्मच मैदा लिए हैं, मैदा में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अभी इसमें एक घोल सा बना लेते हैं। तो देखिए मैदा का घोल हमारा रेडी हो गया है दोस्तों, इसको बहुत पतला नहीं करेंगे। तो देखिए कुछ सिमाई इस तरह मैं ले ली हूँ, तो इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह हम क्रश कर लेते हैं। तो इसको रखेंगे साइड में। तो अभी एक बॉल्स लेंगे और मैदा का घोल में इस तरह हम डाल देते हैं। और देखिए जो सिमाई का जो रखे हैं हम सिमाई, उसी में डाल देते हैं और इस तरह हम बॉल्स को अच्छी तरह सिमाई के साथ लगा लेते हैं। तो इसी तरह हम देखिए बॉल्स को बना लेते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है हमारा बॉल्स। तो आप लोग सिमई का जगह ब्रेड का पाउडर भी मिला सकते हो दोस्तों इस तरह, और नहीं तो मैगी को भी इस तरह चूर के इस तरह आप कोट कर सकते हो। तो आपको जो पसंद है उसी तरह कर सकते हो। तो देखिए मैं दो ठो बॉल्स को इस तरह बना ली हूँ, तो सभी को इसी तरह बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सभी को मैं इसी तरह बना लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल में पहले से चढ़ा लिया था, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अभी एक एक करके बॉल्स को हम एक ही बार में सभी को फ्राई कर लेते हैं। आप लोग का पैन छोटा है तो आप लोग दो बार में नाश्ता को फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह मैं धीरे धीरे उलट पलट करके इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको ऊपर बहुत ही अच्छी तरह क्रिस्पी करना है दोस्तों, क्योंकि अंदर तो सभी चीज़ें पका हुआ है, आलू भी और हमारा मैगी भी, तो अंदर तो सॉफ्ट होगा, तो इसीलिए हम लोग को ऊपर से क्रिस्पी बनाना है। तो देखिए धीरे धीरे हमारा जो नाश्ता का कलर कितना सुंदर आ चुका है दोस्तों, अभी ये बन गया है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और अभी इसको सभी को हम इसी तरह निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बॉल्स कितना सुंदर करारा और क्रिस्पी वाला बना है। मैगी और आलू का ये नाश्ता आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, मैं चाहूंगी आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना, और मेरे को कमेंट में बताना आप लोग को कैसा लगा। तो मैं आप लोग को एक तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से नरम, खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।